चैनल एक्सप्लोर मोर विद रॉनी। होप करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होगे और मेरी वीडियो देख रहे होगे और मेरे साथ ट्रैवल कर रहे होगे। लास्ट वीडियो आपने देखी होगी कि मैंने मुन्नार में साइट सीन कैसे पूरी कवर करी है और कैसे हमने एंजॉय करा। बहुत ही ब्यूटीफुल वो वीडियो बनी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ यार एक बार वीडियो जाके देखो, और अगर आपने देखी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको वीडियो कैसी लगी है। हमेशा की तरह मैं आपके कमेंट्स का वेट करता हूँ। और बाकी जी, अभी ये डे 3 है मुन्नार में। वैसे लास्ट डे बहुत ही अच्छा गया हमारा और मुन्नार में ये आखिरी दिन है मेरा, तो एंजॉय कर रहा हूँ इन वाइब्स को। और सुबह लेट उठा हूँ, करीबन अभी 1:15 का टाइम हो गया है, तो सुबह से कुछ भी नहीं खाया हुआ। रेडी होके कहीं ना कहीं घूमने के लिए जाना था, तो सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो तो। लास्ट डे रखा था मैंने कपड़े धोने के लिए और थोड़ा घूमने के लिए, और देखते हैं आज क्या क्या एक्सप्लोर करते। वैसे तो सब कुछ एक्सप्लोर कर चुके हैं, मुन्नार टाउन को जो मेन मार्केट है, और साथ ही साथ हम साइट सीन कवर कर चुके हैं। कोची डायरेक्शन में हम घूमने के लिए जा सकते हैं, तो देखिए कि कोची डायरेक्शन में क्या क्या घूमने को मिलेगा। वाटरफॉल मिलेंगे, तो अभी आज का पूरा दिन हमने घूमना ही है, एंजॉय करना है। पहले कुछ पेड़ पूजा कर लेते हैं, उसके बाद घूमने के लिए चलते हैं। तो जी, मेरा आ चुका है रवा मसाला डोसा, जो कि मैंने सरवना भवन में आके ऑर्डर किया था और बहुत ही डिलीशियस लग रहा है। अभी खा के देखेंगे। तो चटनियाँ कौन कौन सी मिलती है वो देखना ज़्यादा बनता है। ये कौन सी है? टोमेटो, कोकोनट, सांभर। तो जी, रवा मसाला डोसा मेरा आ चुका है, देखने में बहुत ही लाजवाब लग रहा है। खा के देखेंगे कि टेस्ट इसका है कैसा और आपको बताएंगे। तो जी, सरवना भवन गया था, जो कि मैंने आपको बताया था। ये सरवना भवन वो दिल्ली वाला सीपी वाला नहीं है, जिसकी ऑल ओवर वर्ल्ड में ब्रांचेस है। तो ये सरवना भवन जो है वो होटल है, जो कि खाली मुन्नार में ही है, और यहाँ पर टूरिस्ट दूर दूर से आ रहा था, फॉरनर्स बहुत ज़्यादा आ रहे थे। तो मैंने कहा कि सरवना भवन का नाम ही बहुत है, तो एक बार खा के देखते हैं। रवा मसाला डोसा खाया है, बहुत ही बेहतरीन बना था, बहुत ही टेस्टी था, और साथ में इडली ली, तो बिल आया करीबन 94 रुपीज़, जिसमें पेट भर के खाना मिल गया और बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट हो गया कह सकते हो आप, लंच हो गया सॉरी। तो अभी जी घूमने के लिए जा रहे हैं और लोकल साइट सीन सारी कर चुके हैं। कोची डायरेक्शन में अब घूमने के लिए जाना है, जो कि देखते हैं कि कैसे जाते हैं। जैसे कि दोस्तों, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया हुआ था, ये सरवना बेकर सा यहाँ पे मुन्नार के चर्च के बिल्कुल पास में है, और यहाँ पे चाय बहुत ही लाजवाब मिलती है। तो चाय पीते हैं यहाँ पे जाके और इंजॉय करते हैं। और इस टाइम पे ना कहीं लंच करने के बाद नींद सी आने लग जाती है थोड़ी सी। वैसे तो मैं अच्छी तरह सो के उठा था, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत दिन बाद, मतलब इतने दिनों के बाद, कहीं ना कहीं भाग रहा था लाइफ से कि भाग, ये भी करना है, वो भी करना है, वीडियो एडिट भी करनी है, कपड़े भी धोने हैं, तो कहीं ना कहीं थका हुआ था। तो आज आराम से उठाऊँ 10:30 बजे जाके, और उसके बाद कपड़े धोने के बाद नाश्ता किया है, लंच किया है। नाश्ता तो कहीं ना कहीं स्किप हो गया था, तो लंच किया है, बहुत ही बेहतरीन लंच था। और अब चाय पीने का दिल कर रहा है, एक बढ़िया सी चाय मिल जाए, और इस दुकान के अलावा मेरे को नहीं लगता कि कहीं और चाय बढ़िया मिलेगी। वैसे तो यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स है जहाँ पे आपको चाय बढ़िया मिल सकती है, पर ये वाली शॉप पे मैं चाय अक्सर आके रात को भी पीता रहता हूँ, शाम को भी। तो यहाँ पर चलती और चाय पीती है, बेहतरीन थी। भैया, वन चाय, मीठा कम। Yeah, I'm going to go.
तो जी चाय आ चुकी है और इनका बनाने का तरीका बहुत ही लाजवाब था। थोड़ी सी चीनी डाली है, उसके बाद चाय पत्ती का जो ये काटते रहते हैं तो चाय पत्ती डाल देते हैं, उसके बाद कड़ी हुई जो पानी होता चाय का, उसके बाद दूध डालते हैं। और बनाने का तरीका बड़ा लाजवाब है और ये साउथ इंडिया में ही चाय मिल सकती है, ऐसी कड़क चाय मिलती है बिल्कुल, और पी के देखते हो टेस्ट देखते है कैसा। मुझे एक्चुअली पता है कि कड़क चाय होने वाली है। बहुत बढ़िया चाय भैया, बहुत ही बढ़िया, थैंक यू। तो चाय बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बनी है यार, बहुत ही बढ़िया चाय बनी है। आपको यहाँ पे ना मीठा बताना पड़ेगा कि मीठा आपको चाहिए कैसा, एक्चुअली बस यही बताना है आपको, मीठा कम चाहिए ज़्यादा चाहिए, क्योंकि ये अपने अकॉर्डिंग डालते हैं। तो मीठा कम बता दोगे चाय बिल्कुल सॉलिड बनेगी और बहुत ही अच्छा टेस्ट आना चाय का। साउथ इंडिया में जब तक हूँ मैं तो चाय को नहीं मिस कर सकता, ना ही कॉफ़ी को, चाय बहुत ही बेहतरीन मिलती है कहीं पर भी आप पी लो। तो फ्रेंड मुन्नार टाउन में मुन्नार मेन मार्केट के बीच में ये चर्च पड़ता है, जो कि आप देख सकते हो बिल्कुल सामने चर्च है, और अंदर जाके मेरा गेस्ट हाउस पड़ता है जिसके लिए मैं 500 रुपीज़ पर नाइट का पे कर रहा हूँ। और चर्च ऊपर जाके भी है, मैंने फ़र्स्ट टाइम नोटिस करा है, ऊपर मैंने नोटिस नहीं किया था कि ऊपर स्टेयर्स जाती है और चर्च वहाँ पर भी है। और मेन मुन्नार टाउन में ये मार्केट के बिल्कुल पास में चर्च पड़ते हैं, तो चर्च भी विज़िट कर सकते हो। यहाँ पर खाने पीने की सारी फैसिलिटी है, कोई भी चीज़ की आपको कमी ही नहीं पड़ेगी, तो आप रात को भी मार्केट में घूम सकते हो। और यहाँ पे जो जितना भी टूरिस्ट आ रहा है ना, जितना मैं नोटिस कर रहा हूँ, जो यहाँ के जो नॉर्मली शॉप वाले हो गए या घुमाने के लिए जो ऑटो वाले हो गए या जिप्सी वाले हो गए, वो कहीं ना कहीं तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, तमिलनाडु से आते हैं, क्योंकि तमिलनाडु का बॉर्डर भी पास में पड़ता है। और साथ ही साथ ये जो मुन्नार टाउन है, ये मुन्नार जो एरिया आता है वो केरल के अंडर आता है, तो यहाँ पर आपको तमिल लोग मिलेंगे। और जो टूरिस्ट आता है वो तमिलनाडु से बहुत ज़्यादा आता है, केरल से भी आता है, ऑल ओवर इंडिया से ही आता है मुन्नार में, पर तमिलनाडु से ज़्यादा आते हैं टूरिस्ट। और बहुत ही सुंदर यार प्लेस है यार, यहाँ पे आना बनता ही है बिल्कुल। एक्चुअली दोस्तों अभी किसी लोकल से बात हुई है, उसको थोड़ी सी हिंदी आती थी और थोड़ी सी इंग्लिश आती थी, पर उसने मेरी हेल्प कर दी, तो दो तीन वाटरफॉल बता दिए। पेरियाकनन अथिकारे करके कोई वाटरफॉल है, उसके लिए बस मिल सकती है। तो यहाँ पे अब मैं मेन टाउन में आ गया हूँ, तो यहाँ पे देखती है जी बस कहाँ पे मिलती है, और पेरियाकनन चलती है वाटरफॉल। बाकी इस टाइम पे बहुत ही अच्छा मौसम हो गया है, तो कहीं ना कहीं घूमने में भी मज़ा आएगा। और ऑटो लेता हूँ तो वही है कि 400-500 रुपये ऑटो वाले मांग लेंगे, तो मैं आज ऑटो के पैसे नहीं खर्चने वाला, आज मैं बस पर ही जाऊँगा। तो पेरियाकनन देखते हैं जी कौन सी बस जाती है यहाँ से, और उसने बताया था कि अप एंड डाउन आप बस पे कर सकते हो इजीली, तो देखते हैं कौन सी बस है और चलते हैं पेरियाकनन वाटरफॉल। पेरियाकनन वाटरफॉल, वाटरफॉल नहीं, हाउ मच फॉर द टिकट? टिकट 35 रुपीज़। 6 किलो 200। तो जी बस मिल गई है, अभी बस पे बैठते हैं पेरियाकनन के लिए।
तो जी ये है पेरिया कना वाटरफॉल जो कि अभी सूखा हुआ है। एक्चुअली में जो मेरे को किसी ने बताया था वो ये बताया था कि पेरिया कना अगर आप वाटरफॉल जाते हो तो इस टाइम पे वहाँ पे पानी आपको देखने को मिलेगा, पर मेरे पीछे देख रहे होगे वाटरफॉल कहीं ना कहीं सूखा हुआ है, पानी है ही नहीं है। मानसून के टाइम पर जब जून जुलाई अगस्त का टाइम आता है, सितंबर का टाइम आता है, तो यहाँ पर रेनफॉल कुछ ज़्यादा ही होती है, तो बारिश ज़्यादा होने के कारण कहीं ना कहीं वाटरफॉल उस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखाई देता होगा। और अभी तो सूखा ही हुआ है क्योंकि कहीं ना कहीं बारिशें नहीं हो रही है मुन्नार में, तो सूखा हुआ वाटरफॉल है, तो यहाँ पे आके लग रहा है कि कट गया अपना। जो जिस बस पे मैं आया हूँ तो 35 रुपीज़ लगे मुन्नार टाउन से यहाँ पे आने के लिए। आप भी आ सकते हो अगर आप मेन सीज़न में आते हो, जब वाटरफॉल का टाइम होता है, जब मानसून के टाइम पे अगर आप आते हो तो यहाँ पे अभी बहुत लोग मेरे को मिले जो कि वाटरफॉल ही देखने आए थे, और उन्होंने भी यही बताया कि अभी सीज़न नहीं है तो बस हमें देखना था कि कैसा लगता है, पर कुछ भी पानी नहीं है यहाँ पे। तो 35 रुपीज़ में टिकट लेके मैं यहाँ पे आया हूँ। तो रास्ते का व्यू तो बहुत ही सॉलिड था, बहुत ही सुंदर था, मे भी शायद आपको वो पसंद आया होगा जो कि मैंने कैप्चर करने की कोशिश करी है। तो ये टी प्लांटेशन है जी, यहाँ पे खड़े होके बहुत ही सुंदर टी प्लांटेशन लग रही है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। वहाँ पे लोग लगे हुए हैं टीज के लिए, लीव्स निकालने के लिए दिख रहे हैं यहाँ पे, और बहुत ही सुंदर नज़ारा है यार, बहुत ही पीसफुल वाइब्स है। चिड़ियों की, पक्षियों की जो आवाज़ें आ रही है, बहुत ही सुंदर वाइब्स है। और ये पूरा रोड आप देख सकते हो, ये जो रोड जाता है एक्चुअली में ठेकड़ी के लिए यही रोड जाता है। तो अगर ठेकड़ी वाली बस मुन्नार टाउन से आप लोगे तो पेरिया कना बीच पे पड़ेगा, जो कि करीबन आधे पौने घंटे बाद आता है मुन्नार मेन टाउन से, तो आप यहाँ पे आ सकते हो। और बहुत ही सुंदर नज़ारा यहाँ से टी प्लांटेशन देखते हुए। कभी कभी यार ऐसी जगह मिलती है जहाँ पे आपको खुद भी अच्छा लगता है, वाइब्स अच्छी लगती है। मैं यहाँ पे करीबन आधा घंटा मेरे को हो गया, किसी ना किसी का फ़ोन भी आ गया था तो उसको भी व्यू दिखा दिया और साथ में बातें करी बहुत सारी, तो व्यू बहुत अच्छा था। तो यहाँ पे आधे घंटा हो गया, कोई ना कोई मिल गया था जो कि टूरिस्ट यहाँ पे आया हुआ, तो उनसे बात हो रही थी, तो मैं बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहा हूँ इन वाइब्स को। इस टाइम पे फ्रेंड्स कोई भी नहीं है यहाँ पे। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे बहुत सारे लोग थे, टूरिस्ट आया हुआ था और वाटरफॉल को देखने के लिए आए थे, कुछ ना कुछ मैगी खा के, ब्रेड ऑमलेट लेके या सोडा पी के, नारियल पानी पी के कहीं ना कहीं लोग चले गए यहाँ से, टूरिस्ट चला गया है। पर मैं अभी भी यहाँ पे इंजॉय कर रहा हूँ और कहीं ना कहीं अपनी बस की वेट कर रहा हूँ, कहीं ना कोई बस मिल जाएगी या किसी ना किसी को लिफ्ट मांग लेंगे कि लिफ्ट मिल जाए आगे जाने के लिए। अब देखते हैं लिफ्ट मिलती है कि नहीं मिलती। और निकलना है यहाँ से, करीबन 4 बजे का टाइम हो चुका है और 6:30 बजे तक यहाँ पे सनसेट हो जाता है। और आज कुछ मौसम लग रहा है कि बारिश आने वाला मौसम लग रहा है, और मेरे को तो कल का एक्साइटमेंट हो रही है कि कल मेरे को इसी रूट से जाना है ठेकड़ी, तो ठेकड़ी जब जाऊँगा तो मेरे को यही सीनिक ब्यूटी देखने को मिलेगी, तो कल की वीडियो बड़ी औसम बनने वाली है। रास्ते का अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा और कहीं ना कहीं 115 किलोमीटर लगभग है मुन्नार टाउन से। बाकी सुबह मॉर्निंग में 10:30 तक बस मिलती है, उसके बाद 11:30 है, दिन में बहुत सारी बसेस जाती है ठेकड़ी के लिए। सोडा अच्छा बनाया था, थैंक यू। कोकोनट वाटर पीते हैं, कोकोनट वाटर 1 हाउ मच 50 रुपीज़ का आता, छोटा बहुत है ये येलो ये वाला, हर जगह 50 का ही रेट है। अभी पीला नारियल बहुत ही टेस्टी होता है यार, जो कि मैं आपने वीडियो में देखा होगा, कोची में मैंने पिया था, उसके बाद हरा नारियल ही पिया, डेली 1-2 नारियल तो मैं पी ही लेता हूँ यहाँ पे। और केरल आए हो, साउथ में आए हो, रेट तो उतना ही है पर हाँ टेस्टी बहुत ज़्यादा होता है पानी, केरल का अपना है, तमिलनाडु से भी कुछ आता है माल, देखते हैं लिफ्ट मिल जाए। हाँ जी हाँ जी, स्ट्रॉ हिंदी आता तमिल, बड़ी देर प्यास लगी थी यार, बड़ी देर हो गई है लिफ्ट मांग मांग के, प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है और कोई बस भी नहीं आ रही। रात होने से पहले बस मिल जाए, वैसे तो आधा घंटा कह रहे थे कि बस मिल जाती है, आधे घंटे में हर बस आती है, पर मेरा मन था कि कोई ना कोई बाद में बस पकड़ेंगे, अभी दिल नहीं कर रहा यहाँ से जाने का। तो करीबन 1.25 घंटे से मैं यहाँ पर ही था, किसी ना किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था या वीडियो बना रहा था, तो अब देखते हैं कोई ना कोई बस मिल जाए या लिफ्ट मिल जाए तभी ठीक है। नारियल बहुत ही मीठा, येलो कलर का नारियल है,
पता नहीं क्या स्पेशल होता है, मुझे पहले पता नहीं था, पर अब पता चला कि पानी बहुत ही ज़्यादा मीठा होता है, बहुत ही मीठा नारियल है। मैंने लिफ्ट मांगी थी तो किसी ने रोक लिया गाड़ी, देखते हैं। मुन्ना टाउन, मुन्ना टाउन, मुन्ना नहीं, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो भाई गाड़ी रोकी तो सही बंदे ने पूछने के लिए, कहीं और जा रहे हैं। लैंग्वेज प्रॉब्लम कई बार आ जाती है कि वो लैंग्वेज में भी शायद मलयालम बोल रहे थे या तमिल बोल रहे थे पता नहीं, पर उन्होंने गाड़ी रोकी और कोई और डायरेक्शन में जा रहे थे, तो लिफ्ट मांग के चलते हैं। यार बड़े दिन हो गए लिफ्ट नहीं मांगी है, वैसे तो मैंने लिफ्ट आज तक मांगी ही नहीं है। हाँ एक दो बार हुआ था जब मैं मैक्लोडगंज से नीचे आ रहा था धर्मशाला के लिए बस लेने के लिए, तो मैंने ऑटो नहीं किया था तो उसकी कोई वीडियो नहीं है, पर मैंने दो लिफ्ट मांगी थी, एक तो रेते वाली गाड़ी थी, एक किसी ने स्कूटी पर लिफ्ट दे दी थी, तो वो भी मेमोरीज थी, पर मैं कहीं ना कहीं वीडियो नहीं बना पाया। अगर वीडियो बनाता तो वो भी कहीं ना कहीं वीडियो में शामिल होती, यूट्यूब पर होती, तो वो भी मेरी मेमोरीज में होती, पर अभी मेमोरीज यहाँ पर है तो कोई बात नहीं। बाकी बाइकर्स बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, अभी देखो यहाँ पर कितने सारे बाइकर्स निकलेंगे, बहुत सारे बाइकर्स हैं जो यहाँ पे आते हैं इस साइड पे। कितने सारे बाइकर्स हैं यार, कितने सारे बाइकर्स हैं, ये ठेकड़ी के लिए जा रहे होंगे जरूर। सभी दूर से हाय कर रहे हैं, कोई ना कोई वीडियो बना रहा है, बाय बाय। यार बाइकर्स की यार लाइफ अलग होती है यार, मेरा भी दिल कर रहा है कि मैं भी कहीं ना कहीं अपने चैनल को थोड़ा बाइकर्स में मूव कर लूं, पर अभी नहीं करूंगा, जब चैनल चल जाएगा और नए नए यार अब एक्सपेरिमेंट करेंगे चैनल के ऊपर, पर अभी बाइकर नहीं बनना। और इतनी बड़ी मेरे को ये बाइकर बनना कोई आसान काम भी नहीं होता, इतना 300-500 किलोमीटर लगातार चलाना, जो चलाते हैं उनको भाई बहुत ही रिस्की भी है, टफ है, उनका पैशन होता है, तो मेरा पैशन अभी बाइकर वाला नहीं है, जो मैं कहीं ना कहीं अपने आप को स्विच कर लूँ उस साइड पे। तो जो अपने अंदर टैलेंट है, या बसेस चेंज करके जाना, लिफ्ट मांगना, जो अपना टैलेंट है हम उसको यूज़ करेंगे और जाएंगे घूमेंगे, इंडिया ऐसे ही घूमेंगे पूरा, और हो सकता है कि जल्दी इंटरनेशनल ट्रिप भी करूँ मैं, अगर पैसा थोड़ा बहुत आ गया तो इंटरनेशनल ट्रिप भी कर लेंगे, श्रीलंका हो गया, थाईलैंड हो गया, कहीं ना कहीं घूम कर आएंगे। पर अभी के लिए कोई प्रॉमिस नहीं करता, वो वक्त बताएगा कि क्या होता है, टाइम के अकॉर्डिंग होएगा। तो फ्रेंड्स आज हम रैंडमली कहीं पर भी आज घूमने के लिए निकले हैं, पहले तो मैं यहाँ पर ही निकला था नॉर्मली मार्केट के आसपास घूमने के लिए, और जा रहा था कोची डायरेक्शन पे, पर बाद में जब पता चला कि वाटरफॉल भी है तो मैं वाटरफॉल के लिए निकला, जो कि ठेकड़ी डायरेक्शन में था। बाकी आज की वीडियो आपको कैसी लगी है तो ये तो आप ही बताओगे कि आपको नेचर के बीच में ग्रीनरी देखकर और ट्री प्लांटेशन देखकर आपको कैसे लगा। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर देना। और नॉर्मली आप बसेस पे भी घूम सकते हो, तो 35 रुपीज़ जाते हुए मेरे लगे, 33 रुपीज़ लगे आते हुए, तो मुन्नार से आप जा सकते हो वाटरफॉल देखने के लिए। और आपको कोई भी साइट सीइंग के लिए जाना, पहले आप फाइंड आउट करने की कोशिश करो, उसके बाद आप जाओ जी नॉर्मली लोकल बस पे, तो ये आपके लिए बेटर ऑप्शन होगा। पर आपको अगर ठेकड़ी की डायरेक्शन में अगर घूमने के लिए जाना है, या कोची डायरेक्शन में घूमने के लिए जाना है, या मत्तुपेट्टी डैम जो है उस वाली लोकेशन पे अगर घूमना है, तो आपको कहीं ना कहीं ऑटो करना पड़ेगा, और 1000-1500 के बीच में ऑटो मिल जाएगा इजीली। अगर आपको आज की वीडियो भी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कर देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ऐसे आगे बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली है, क्योंकि अभी मैं जाने वाला हूँ ठेकड़ी, दो दिन हम ठेकड़ी में रहेंगे, एक दिन तो हमारा जाने में ही लग जाएगा, तो 3 नाइट ठेकड़ी में मैं आऊँगा, और उसके बाद LAP जाएंगे 4 नाइट LAP के लिए, और उसके बाद जी वर्कला 4 नाइट के लिए, उसके बाद दिल्ली वापस। तो ये 20 डेज का मेरा ट्रिप था, तो अभी बहुत सारी चीज़ें हमने घूमनी है, बहुत सारी हमने लोकेशंस कवर करनी है, बहुत कुछ आपको दिखाना है, खुद भी घूम रहा हूँ आपको भी घुमाना है, तो प्लीज़ यार चैनल को सपोर्ट कर देना, वीडियो को जैसे लाइक एंड शेयर करना। मैं मिलूंगा ऐसी नई वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।